दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायतवासियों की सुविधा के उद्देश्य से राज्य सरकार की यह एक अनोखी पहल है, ताकि पंचायतवासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जाने के बाद पंचायतवासियों में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है, ताकि उनका जो भी कार्य 5 किलोमीटर दूर जाकर के होता था, वो अब उनके गांव में ही होता है। पंचायत सरकार भवन में गांव में ही उनके सारे कार्य होते हैं। खैर, जो भी हो, मुखिया की देखरेख में सभी जगह पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। नालंदा जिले के बिहारशरीफ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुरौरा पंचायत के मुरौरा गांव में भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण मुखिया पति के देखरेख में कराया जा रहा है, यानी मुखिया के ही देखरेख में कराया जा रहा है, लेकिन सारा कार्यभार मुखिया पति ही देखते हैं प्रतिनिधि के तौर पे। तो मुखिया पति जो है वो अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवा रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी अवश्य रूप से रखनी चाहिए। सरकारी कार्य है, सरकारी कार्य में सरकारी राशि का आवंटन होता है, टेंडर होते हैं, टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य आरंभ किए जाते हैं, प्रत्येक मटेरियल के लिए राशि आवंटित होती है। बावजूद मुरौरा मुखिया पति के द्वारा पंचायत सरकार भवन के निर्माण में, पंचायत सरकार भवन का निर्माण जिस स्थान पर हो रहा है उसी स्थान के सामने मुरौरा की नदी है, लोग उसे नदी कहते हैं, उस नदी में मौत का गड्ढा खोदा गया है मुखिया पति के द्वारा। पंचायत सरकार भवन में मिट्टी भराई को लेकर के मुखिया पति के द्वारा मौत का गड्ढा खोदा गया है, यानी बरसात के समय में किसी की जान जा सकती है। अगर उसमें कोई फिसल जाएंगे, किसी भी कोई जानवर गिर जाएगा, कोई व्यक्ति अगर गिर जाएगा, कोई बच्चे गिर जाएंगे, तो किसी की जान जा सकती है, पंचायत के किसी भी लोग की जान जा सकती है अगर वो उसमें गिर जाएंगे तो। इतना ही नहीं, मुखिया पति जो है उनकी और भी कारनामे आप देखिए। पंचायत सरकार भवन जिस स्थान पर बनाया जा रहा है उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री से महज 2-3 फीट की दूरी पर 10 फीट से अधिक का गड्ढा खोदकर अवैध तरीके से बालू की निकासी की जा रही है, और उसी बालू का उपयोग उस पंचायत सरकार भवन के निर्माण में किया जा रहा है अवैध तरीके से। बालू निकाल करके उस पंचायत सरकार भवन में लगाया जा रहा है, पंचायत सरकार भवन को बनाया जा रहा है। तो इससे अच्छा होता कि सरकार के द्वारा जो टेंडर निकाली गई थी वो टेंडर ही ना निकलती, और सरकारी जो संसाधन थे उसका सरकारी निर्माण में उपयोग मुखिया पति के द्वारा किया ही जा रहा था, तो आखिर फिर सरकारी राशि की आवंटन किस उद्देश्य से की गई। और मुखिया पति ने जो यह कारनामे कर रहे हैं, जो उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, उसकी ग्रामीण भी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आप सुन लीजिए जो ग्रामीण चंदन सिंह बता रहे हैं उनका क्या कहना है। क्या मामला यहाँ पर हुआ अभी? मामला यही हुआ है कि पंचायत बन रहा था, यहाँ का टेंडर था, जो कि मिट्टी खरीद के लाना चाहिए था माननीय मुखिया जी को, जो मुखियाएं हैं यहाँ के, बल्कि यहाँ से काट के मिट्टी भरे जो कि नाजायज। अच्छा। नदी काट दी यहाँ से। अच्छा, आगे और दिखाते हैं आपको, चलिए। मतलब क्या इसे, क्या मतलब क्या लग रहा है इससे? इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों हमारा नदी क्यों काटेगा? मिट्टी खरीद के लाना चाहिए था, 1 करोड़ रुपया का टेंडर है, आपको मिट्टी खरीदना चाहिए था कि यहाँ से काटना चाहिए था। इससे हानि भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हानि हो सकता है। यहाँ पर भैंस चरावे लाता है, बालबुत आता है, वो पहले भी मर गया डूब के। मतलब अपना मनमौजी कर रहे हैं? हाँ, अपना मनमौजी किया जा रहा है। चलिए आगे देखा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। आके पास भी कर दिए इस बालू को। क्या बालू, किस तरह है बालू यहाँ पर? बालू देखिए ना, आप खुद चेक कीजिए ना जी, कैसा बालू है देखिए। मतलब यहीं पर से खोद के, यहीं पर से बालू, यहीं पर से खोद के यहीं पर लगाया जा रहा है।
बालू लाए नहीं? नहीं, बालू हम जब विरोध किए हैं तो आज एक ट्रक गिरा है वहाँ, बाकी सब बालू निकाल के अपना खड़ा कर दिया यही बालू से, समझ गए? मतलब सब अवैध काम हो रहा है यहाँ पर? सब अवैध काम हो रहा है टोटल, आके जांच करवाया जाए इसका। इंजीनियर साहब जांच किए तो क्या? इंजीनियर साहब आके बालू पास कर दिए। कौन है इंजीनियर साहब? जाके उसका जांच करवाइए। कौन इंजीनियर जो पास कर दिया इस बालू को? मतलब यहीं से खोद के यहीं लगा, यहीं से खोद के यहीं लगा रहा है? लाके नहीं बालू लगा? नहीं, 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, क्या मजाक समझ रखा है? तो आपने सुना चंदन सिंह का। इतना ही नहीं, इस पंचायत सरकार भवन में जो श्रमिक, जो राजमिस्त्री, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी भी आप बात सुनिए। काम कर रहे हैं आप लोग? अध्यक्ष हैं मुखिया जी के। मुखिया जी निकाल करके बोले हैं बालू जो देंगे मटेरियल हम लोग को, जो काम वो करना है। बालू कहाँ से निकाला? गड्ढा से ही ना निकाला जा रहा है मिस्त्री जी। हाँ, गड्ढा से निकाल, क्या बोले, इसी से निकाल के बनाना आप लोगों को? हम अपन लोग निकाल दे रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। मुखिया जी का आदेश है कि गड्ढा से निकालिए, निकलवा के देते हैं कि हम थोड़े के निकले हैं, निकाल के कर रहे हैं। बात है, सच काम में लगे हुए आप लोग? हमको तो अभी 15-20 दिन हुआ। अच्छा, क्या बना रहे हैं? पंचायत भवन बन रहा है। तो बालू कहाँ से आ रहा है? बालू यही गड्ढा से निकल रहा है। गड्ढे से निकल के लगा रहे हैं? किनका आदेश है निकाल के लगाने का वो बता सकते हैं? मुखिया जी बोले वो बता सकते हैं, हम लोग नया ना, पुराना है वही बता सकते हैं। अच्छा, मतलब बालू यहीं से खोद के यहीं से निकाला जा रहा है? बालू कहाँ से लगाया गया है? ये बालू तो है, गड्ढा हुआ है, यहीं से खद गए, यहीं लगाया गया है। बालू लाया नहीं गया था? बालू तो नहीं देखते, लाया हुआ। ओ, कितना दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यह जोड़िया में अच्छा काम कर रहे हैं। क्या चीज़ बना रहे हैं? समुदाय भवन बन रहा है। पंचायत सरकार भवन? सरकारी भवन। सरकारी भवन बन रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, जो हकीकत है उसे मैं आप तक लाया हूँ। इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ क्योंकि मैं राजीव रंजन हूं, जनादेश न्यूज, जनादेश समागम हमारी मासिक पत्रिका भी है, और मुखिया पति के द्वारा पूर्व में भी हमारे ऊपर FIR की धमकी दी गई थी। एक खबर इनके विरुद्ध जब हमने चलाया था, इनकी काली कारनामों को हमने उजागर किया था, तो इनके द्वारा कोर्ट से हमारे ऊपर नोटिस किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस मुखिया पति जो हैं, उनको सच कड़वा लगता है, सच ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन कब तक मुखिया जी, आप मुखिया पति हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, पंचायत का एक जनप्रतिनिधि, पंचायत के हर वो जनता के विकास की बात करता है, राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण करने का, सरकार उसके लिए राशि आवंटित करती है पंचायत के पंचायतवासियों की सुविधा के लिए। लेकिन ये जो आप अवैध तरीके से नदी से मिट्टी की खुदाई कर, गड्ढा खोद कर आपने मिट्टी भरा, चलिए कुछ हद तक ठीक भी है आपके नजर में। इतना ही नहीं, बगल से ही आप बालू उठा करके उपयोग कर रहे हैं, बालू का उपयोग आप निर्माण कार्य में कर रहे हैं, तो फिर राशि क्यों आवंटित की गई थी? इससे अच्छा होता टेंडर नहीं होता। फरवरी 2020 में बिहार सरकार के मंत्री और के विधायक, विधान पार्षद, सांसदों के द्वारा उद्घाटन भी किया गया था इस पंचायत सरकार भवन का, लेकिन जो मुखिया पति हैं उनके द्वारा इस तरह का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, बहुत ही बेहतर निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन उसमें जो उनके कारनामे हैं वो चर्चा का विषय है। ग्रामीण जो है वो सामने आए हैं, सामने आकर उनके विरुद्ध आवाज उठाए हैं, हम इसलिए लगातार आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकारी मुलाजिम जो है वो इस मुखिया पति पर आखिर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मुखिया पति ने पूर्व ही हमारे ऊपर अपना सारी ताकत झोंक दिए थे राजीव रंजन पर FIR करने के लिए। हमारे पास वो नोटिस भी अभी भी मौजूद है, उसे हम प्रत्यक्ष रूप से अभी आपको दिखा नहीं सकते हैं, जरूरत पड़ने पर मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सच दबेगा नहीं।
मुखिया पति को अगर सच कड़वा लगता है तो मैं सच जरूर उजागर करूंगा। मैंने खबर चलाई थी रेलवे स्टेशन के पास जो गंगानगर है वहां भी इनके द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया था और वो भी बहुत चंद दिनों में ढह गया था, लेकिन मुखिया पति ने फिर वहां निर्माण करवाया उस सड़क का। हमारे साथ समाज था, हमारे साथ जनता थी। तो इस तरह से पंचायत सरकार भवन में अवैध तरीके से मिट्टी का उपयोग किया गया, वालू का उपयोग किया जा रहा है, जो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है वो खुद मुखिया पति ही बताएंगे। जब उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया गया एक हमारे सहयोगी के द्वारा, तो उन्होंने अपने आप को क्षेत्र से बाहर भी बताया। खैर जो भी हो, जो हकीकत है उसे तो मैं आप तक लाऊंगा ही। हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, समाज की हर छोटी बड़ी खबरों को, बिहार की छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें मुखिया पति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, हम सिस्टम की भी लापरवाही इसमें नहीं दिखाएंगे, सरकार की लापरवाही नहीं है। सरकार ने तो योजना दिया पंचायतवासियों की सुविधा के लिए, सरकार ने जो योजना दिए हैं उसे बखूबी आप तक जनप्रतिनिधि पहुंचाएंगे। जनप्रतिनिधि का काम है आप तक उन संसाधनों को पहुंचाना, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन मौत का कुआं, मौत का गड्ढा जो खोदा जा रहा है, अवैध तरीके से वालू का उपयोग किया जा रहा है मुखिया पति के द्वारा, वो किस हद तक सही है? अवैध कमाई का ये एक जरिया है, हम खुलकर बोल रहे हैं, FIR करना रहेगा फिर करेंगे। इन्होंने तो पूर्व में ही धमकी दी थी। मुखिया पति जी, अगर ये बातें सही है, अगर आपको कड़वा लगेगा ये सच, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम लगातार अब तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और इस खबर को अगले महीने के मासिक पत्रिका जनादेश समागम के अगले अंक में आप जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।